नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो आईपीएल 2024 का मैच नंबर 48 खेला जाएगा 30 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 7:30 बजे से यानी कि 7:30 PM से। तो आज की इस वीडियो में इस मुकाबले का कम्प्लीट मैच प्रीव्यू करने वाला हूँ, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस मैच के लिए भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट क्या है, जबकि इस मैच में दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाली है। इसके अलावा इस मैच में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर कौन से गेंदबाज और बल्लेबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित होंगे और किसको आपको अपनी फैंटेसी 11 में लेना चाहिए, जबकि इस मुकाबले का मैच प्रेडिक्शन भी करने वाला हूं। तो ओवरऑल ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस मैच से जुड़ी इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए ओवरऑल ये वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव। इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि आपको क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप आईपीएल 2024 से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट्स, इसके अलावा हर आईपीएल मैच से पहले फाइनल पिच रिपोर्ट, मैच प्रेडिक्शन और फाइनल फैंटेसी टीम पाना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके अलावा कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिंड मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं आईपीएल 2024 के मैच नंबर 48 के लिए भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम रीसेंट आईपीएल मैचेस की बात कर लें जो कि इस मैदान पर खेले गए हैं, तो आईपीएल 2024 के अभी तक 5 मैचेस इस मैदान पर हो चुके हैं, जिनमें से 2 मैच फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि 3 मैच सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। इसके अलावा एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 180 रन का है, तो वहीं एवरेज सेकंड इनिंग्स का स्कोर 171 रन का रहा है। तो आप इन आईपीएल 2024 में खेले गए मैचों के स्टैट्स से क्लियरली देख सकते हो कि हाल फिलहाल में इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर जिस टीम ने सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करी है उस टीम को ज्यादा एडवांटेज मिला है। इसी वजह से आईपीएल 2024 में इस मैदान पर चेस करने वाली टीम्स ने ज्यादातर मुकाबले जीते हैं। इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच एक बैटिंग फ्रेंडली पिच है, इस पिच पर बल्लेबाजी करना आईपीएल 2024 में काफी आसान साबित हुआ है, क्योंकि गेंद बल्ले पर काफी अच्छी गति और उछाल के साथ आ रही है, तो बल्लेबाज पिच पर मौजूद पेस एंड बाउंस को ट्रस्ट करके अपने शॉट्स काफी आसानी के साथ खेल पा रहे हैं और यही कारण है कि आपको आईपीएल 2024 में इस मैदान पर हाई स्कोरिंग मैचेस भी देखने को मिले हैं। इस मैच के लिए जो रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं, वहां भी यही बताया जा रहा है कि एक बार फिर से आपको बैटिंग फ्रेंडली पिच देखने को मिलेगी और इस पिच पर दोनों टीमों की तरफ से बल्लेबाज काफी इंजॉय करेंगे बल्लेबाजी करना, तो फिर से आप हाई स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद कर सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बाउंड्री डायमेंशंस की। तो इकाना क्रिकेट स्टेडियम थोड़ा बड़ा मैदान है, जहां पर आपको ऑफ साइड की स्क्वायर बाउंड्री 66 मीटर्स की देखने को मिलती है, तो वहीं पर लेग साइड की स्क्वायर बाउंड्री 73 मीटर्स की है और सामने की तरफ यानी कि स्ट्रेट बाउंड्री 80 मीटर्स की है। तो बड़ा मैदान होने की वजह से यहां पर चौके छक्के मारना इंडिया के बाकी मैदानों के कंपैरिजन में थोड़ा मुश्किल साबित होता है, लेकिन पिच बल्लेबाजी के लिए काफी बेहतरीन रहेगी और इस मैच में भी एलएसजी और एमआई दोनों टीमों के पास काफी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप मौजूद होगी, तो आप काफी ज्यादा चौकों और छक्कों की उम्मीद कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आईपीएल 2024 में इस मैदान पर जो 3 मुकाबले चेस करने वाली टीम्स ने जीते हैं, उन तीनों मैचेस में फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 200 से नीचे बना था, जो कि आसानी के साथ चेस हो गया था। तो इस आंकड़े से ये बात साबित हो जाती है कि अगर इस पिच पर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम को मुकाबला जीतना है तो उनको पहली पारी में बड़ा स्कोर बनाना होगा, मतलब 210 के आसपास या फिर 210 के ऊपर, क्योंकि अगर इतना स्कोर फर्स्ट इनिंग्स में बन जाएगा तो चेस करना मुश्किल साबित होगा। लेकिन अगर फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 190 के आसपास या फिर 190 से नीचे बनता है तो उसके चेस होने की संभावना काफी ज्यादा रहेगी।
सेकेंड इनिंग्स में इस मैदान पर थोड़ी बहुत ड्यू भी आती है और ड्यू आने के बाद ये पिच बल्लेबाजी के लिए और भी ज्यादा आसान हो जाती है, जिससे कि चेस करने वाली टीम को एडवांटेज मिलता है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि जो भी कप्तान इस मैच में टॉस जीतेगा वो गेंदबाजी करने का ही फैसला करेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैदान पर खेले गए आईपीएल 2024 के मैचों के कुछ रिकॉर्ड्स की। तो जो हाईएस्ट टोटल इस मैदान पर बना है वो एलएसजी का है पीबीकेएस के खिलाफ 199 रन 8 विकेट के नुकसान पर। लोएस्ट टोटल जीटी का है एलएसजी के खिलाफ 130 ऑल आउट। हाईएस्ट टोटल जो चेस हुआ है वो आरआर ने किया है एलएसजी के खिलाफ 199 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और लोएस्ट टोटल जो डिफेंड हुआ है वो एलएसजी ने किया है जीटी के खिलाफ 163 रन फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस मैच में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर कौन से गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स। तो आईपीएल 2024 के जो 5 मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं अगर हम उनके रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो उसमें टोटल 38 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं जबकि 16 विकेट्स स्पिनर्स को मिले हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलर्स ने 26 विकेट्स लिए हैं जबकि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को 12 विकेट मिले हैं। राइट आर्म ऑफ स्पिनर ने 1 विकेट लिया है। इसके अलावा राइट आर्म लेग स्पिनर्स को 7 विकेट मिले हैं तो वहीं लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने 8 विकेट्स लिए हैं। तो आप इन लास्ट 5 आईपीएल मैचेस के स्टैट से क्लियरली देख सकते हो कि हाल फिलहाल में इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच से तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिल रही है। इसी वजह से फास्ट बॉलर्स ने स्पिनर्स के कंपैरिजन में ज्यादा विकेट्स भी चटकाए हैं। खास तौर पर जो शुरुआती 6 ओवर्स होते हैं दोनों इनिंग्स के यानी कि पावर प्ले ओवर्स, उसमें तेज गेंदबाजों को पिच से थोड़ी मदद मिलती है। उनको पिच से सीम मूवमेंट और अच्छा बाउंस मिलता है जिस वजह से दोनों पारियों के पावर प्ले ओवर्स में फास्ट बॉलर्स इफेक्टिव साबित होते हैं। और इस मैच में भी जिस टीम के तेज गेंदबाज शुरुआती 6 ओवर्स में सही लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करेंगे वो आपको 2 या 3 विकेट्स भी चटकाते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि इसके बाद मैच जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये पिच बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन हो जाएगी और फिर तेज गेंदबाजों को अपने वेरिएशंस पे ज्यादा डिपेंड रहना पड़ेगा विकेट चटकाने के लिए। इस पिच पर मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स में वो तेज गेंदबाज ज्यादा विकेट चटकाते हैं जो वेरिएशंस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं यानी कि ऑफ कटर्स और स्लोअर डिलीवरीज देखते हैं। वहीं अगर हम स्पिनर्स की बात कर ले तो हाल फिलहाल में जो आईपीएल मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं उसमें हमने देखा है कि दोनों पारियों के मिडिल ओवर्स में पिच से स्पिनर्स को भी मदद मिल रही है जिस वजह से दोनों इनिंग्स के मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स भी आपको 2 या 3 विकेट चटकाते हुए नजर आते हैं। और इस मैच में भी एलएसजी और एमआई दोनों टीमों के पास कुछ अच्छे क्वालिटी के स्पिनर्स मौजूद होंगे जो कि दोनों पारियों के मिडिल ओवर्स में 1 या 2 विकेट्स ले सकते हैं। पर ओवरऑल एक बार फिर से आपको इस मैच में जो तेज गेंदबाज हैं वो स्पिनर्स के मुकाबले ज्यादा डोमिनेट करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों मेरा आपके लिए ओवरऑल सजेशन यही रहेगा कि अगर आप फैंटेसी 11 बना रहे हैं तो आपको अपनी प्लेइंग 11 में फास्ट बॉलर्स ज्यादा इंक्लूड करने चाहिए इन कंपैरिजन टू स्पिनर्स, और आप 3-1 के कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो जहां पर आप 3 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर को अपनी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। 1 स्पिनर में आप 1 राइट आर्म लेग स्पिनर या 1 लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ जा सकते हो। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैच के लिए दोनों टीमों की एक्यूरेट प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लें तो आपको एलएसजी की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे क्विंटन डिकॉक के साथ कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल। नंबर 3 पर आ सकते हैं मार्कस स्टोइनिस। नंबर 4 पर दीपक हुड्डा। नंबर 5 पर निकोलस पूरन। नंबर 6 पर एश्टन टर्नर। नंबर 7 पर आयुष बदोनी। नंबर 8 पर कृणाल पांड्या। नंबर 9 पर मयंक यादव। नंबर 10 पर रवि बिश्नोई और नंबर 11 पर मोहसिन खान आ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब एलएसजी की टीम गेंदबाजी करेगी तब इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर टीम राइट आर्म फास्ट बॉलर यश ठाकुर को इस्तेमाल कर सकती है बल्लेबाज आयुष बदोनी की जगह पर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एमआई यानी कि मुंबई इंडियंस की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो आपको एमआई की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है।
ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन के साथ रोहित शर्मा। नंबर तीन पर आ सकते हैं सूर्य कुमार यादव। नंबर चार पर तिलक वर्मा। नंबर पांच पर कप्तान हार्दिक पांड्या। नंबर छह पर नेहल बदेरा। नंबर सात पर टिम डेविड। नंबर आठ पर मोहम्मद नबी। नंबर नौ पर पीयूष चावला। नंबर दस पर कुमार कार्तिकेय या फिर ल्यूक वुड में से कोई एक खेलेगा। और नंबर ग्यारह पर जसप्रीत बुमराह आ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब एमआई की टीम गेंदबाजी करेगी तब इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर टीम राइट आर्म फास्ट बॉलर नुवन थुशारा को इस्तेमाल कर सकती है बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव की जगह पर। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इस मुकाबले की मैच प्रेडिक्शन के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर लें तो आईपीएल के इतिहास में लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस का आमना सामना टोटल चार मैचेस में हुआ है, जिसमें से लखनऊ सुपर जायंट्स ने तीन मैचेस जीते हैं जबकि मुंबई इंडियंस की टीम सिर्फ एक मैच जीत पाई है। तो ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड में लखनऊ सुपर जायंट्स का पलड़ा भारी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैदान पर दोनों टीमों की परफॉर्मेंस के बारे में। तो एलएसजी और एमआई के बीच इस मैदान पर सिर्फ एक आईपीएल मैच खेला गया है और वो मैच हुआ था साल 2023 में। वो मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने 5 रन से जीता था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों टीमों के रीसेंट फॉर्म के बारे में। तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने जो लास्ट 5 आईपीएल मैचेस खेले हैं उसमें से 2 मुकाबले जीते हैं जबकि 3 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस ने जो लास्ट 5 आईपीएल मैचेस खेले हैं उसमें से 2 मुकाबले जीते हैं जबकि 3 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैच के लिए दोनों टीमों की तरफ से की प्लेयर्स की जो कि इस मैच में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और आप इन्हें अपनी फैंटेसी 11 में कैप्टन या वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। तो अगर हम सबसे पहले बैटर्स की बात कर लें तो आप लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल के साथ जा सकते हो जो कि आईपीएल 2024 में बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। पिछले 9 मैचेस में 378 रन बना चुके हैं 42 के एवरेज और 144 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस के साथ भी जा सकते हो जो कि गेंद और बल्ले दोनों के साथ कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। पिछले 10 मैचेस में 294 रन बना चुके हैं 36 के एवरेज और 154 के स्ट्राइक रेट के साथ। दूसरी तरफ आप मुंबई इंडियंस की तरफ से तिलक वर्मा के साथ जा सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 379 रन बना चुके हैं 47 के एवरेज और 167 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप रोहित शर्मा को भी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 319 रन बना चुके हैं 35 के एवरेज और 158 के स्ट्राइक रेट के साथ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बॉलर्स की। तो अगर हम सबसे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स के बॉलर्स की बात कर लें तो यहां से आप राइट आर्म फास्ट बॉलर यश ठाकुर के साथ जा सकते हो। पिछले 9 मैचेस में 13 विकेट्स ले चुके हैं 10 की इकोनॉमी और 15 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप राइट आर्म फास्ट बॉलर नवीनुल हक के साथ भी जा सकते हो अगर ये मुकाबला खेलते हैं। पिछले 6 मैचेस में 10 विकेट्स ले चुके हैं 9 की इकोनॉमी और 13 के स्ट्राइक रेट के साथ। लेकिन अगर ये मुकाबला नहीं खेलते हैं तो इनकी जगह पर आप राइट आर्म फास्ट बॉलर मयंक यादव के साथ जा सकते हो जो कि इस मुकाबले से वापसी कर रहे हैं और इस मैच में आपको 2 या 3 विकेट्स चटकाते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा आप एलएसजी की तरफ से लेफ्ट आर्म स्पिनर कृणाल पांड्या को भी फैंटेसी 11 में रख सकते हो जिन्होंने आईपीएल 2024 में इस पिच पर काफी अच्छी गेंदबाजी करी है। दूसरी तरफ आप मुंबई इंडियंस की तरफ से राइट आर्म फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह के साथ जा सकते हो। पिछले 9 मैचेस में 14 विकेट्स ले चुके हैं 6 की इकोनॉमी और 15 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप राइट आर्म फास्ट बॉलर जिराट क्वेटजे को भी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 8 मैचेस में 12 विकेट्स लिए हैं 10 की इकोनॉमी और 14 के स्ट्राइक रेट के साथ। और अंत में दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैच के लिए मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन के बारे में। तो एक तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम है जिसने आईपीएल 2024 में अभी तक 9 मैचेस खेले हैं उसमें से 5 मुकाबले जीते हैं जबकि 4 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की टीम है जिसने आईपीएल 2024 में अभी तक 9 मैचेस खेले हैं उसमें से 3 मुकाबले जीते हैं जबकि 6 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है। तो लखनऊ सुपर जायंट्स का प्रदर्शन मुंबई इंडियंस के मुकाबले काफी बेहतर रहा है हालांकि दोनों टीमें अपने पिछले मुकाबले हार कर आ रही हैं। इसके अलावा अगर आप दोनों टीमों की प्लेइंग 11 का कंपैरिजन करोगे तो बल्लेबाजी के डिपार्टमेंट में दोनों टीमें लगभग बराबरी पर ही नजर आ रही हैं क्योंकि दोनों टीमों के पास स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप मौजूद है और दोनों टीमों के बल्लेबाज लगातार रन्स भी बना रहे हैं। इसके अलावा अगर आप दोनों टीमों के बॉलर्स का कंपैरिजन करोगे तो बॉलिंग के डिपार्टमेंट में लखनऊ सुपर जायंट्स का पलड़ा काफी भारी है क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स के पेसर्स और स्पिनर्स
इस समय काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पर मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी काफी कमजोर नजर आ रही है, खास तौर पर फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट काफी वीक है। जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई भी तेज गेंदबाज कंसिस्टेंटली अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहा है। तो प्लेइंग 11 कंपैरिजन में इस समय लखनऊ सुपर जायंट्स की जो प्लेइंग 11 है वो ज्यादा बैलेंस्ड और स्ट्रांग दिखाई दे रही है। ये मैच लखनऊ सुपर जायंट्स के होम ग्राउंड में खेला जाएगा, तो होम सपोर्ट और होम कंडीशंस का एडवांटेज एक बार फिर से लखनऊ सुपर जायंट्स को ही मिलेगा। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि इस मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, और ऐसे में इस मुकाबले की जो मेरी विन प्रेडिक्शन है वो लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ ही जाने वाली है। सो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन की। आपको क्या लगता है, किस टीम की प्लेइंग 11 ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, और आपके हिसाब से कौन सी टीम आईपीएल 2024 का मैच नंबर 48 जीतेगी, लखनऊ सुपर जायंट्स या फिर मुंबई इंडियंस? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11 और क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।